पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के समूल विनाश के लिए भारत के साथ ईरान भी आ गया है। ईरान ने अपने एलिट कमांडो फोर्सेस रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पर बुधवार को हुए हमले के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि रूस के कायराना हमले के लिए पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि बुधवार को ईरान के इस्फहान शहर में हुए इस आत्मघाती हमले में ईरान के 27 जवानों ने जान गंवाई थी, जबकि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरान सुषमा स्वराज ईरान की राजधानी तेहरान में रुकी थी, जहां उनकी मुलाकात ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाची से हुई। इस मुलाकात के दौरान ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाची ने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ट्वीट के जरिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। ईरान के उप विदेश मंत्री ने ट्वीट में लिखा कि बीते कुछ दिनों में ईरान और भारत आतंकवाद की घृणित कार्रवाई का शिकार हुए हैं। इस हमले की वजह से दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। आज भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ मीटिंग में हमने इस क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इनफ इज इनफ। आपको बता दें कि इससे पहले ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने सैनिकों पर हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तान पर साजिशकर्ताओं को समर्थन देने का आरोप लगाया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने साफ तौर पर पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान की सरकार जानती है कि जिहादी समूह जैश अल अद्ल और इस्लाम के लिए खतरा बन चुके जिहादी तत्व कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का समर्थन हासिल है। यही नहीं, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान सरकार उन्हें दंडित नहीं किया तो हम इन जिहादी समूहों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान को उनका समर्थन करने का अंजाम भुगतना होगा। मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने जोर देते हुए कहा कि वे लोग निश्चित रूप से बदले की कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि भारत और ईरान में हुए दोनों हमले आत्मघाती थे। दोनों जगह विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद दोनों देशों ने एक दूसरे को संपर्क किया था। भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने ईरान के राजदूत से मिलकर घटनाओं से जुड़ी जानकारियां भी साझा की। आपको बता दें कि ईरान पर हुआ यह हमला हाल के वर्षों में सबसे घातक हमला था। इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम धर्म गुरु अयातुल्लाह खुमैनी ने उस हमले के बाद पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा था कि कुछ क्षेत्रीय खुफिया एजेंसियां इस तरह के काम में लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।